हेलो चिल्ड्रेन दिस इज कविता आचार्य जी गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल पांडुका ब्लॉक छूरा डिस्ट्रिक्ट गरियाबंद टुडे आई एम गोइंग टू रीड द पोएम लेसन 23 थ्री क्लास एट वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय द वर्ल्ड फेमस पोएट विश्व कवि रविंद्रनाथ टेगोर इस पोएम को कवि ने भारत जब अंग्रेज शासन के अधीन थे तब रचना किए थे एक स्वतंत्र भारत की कल्पना कवि कर रहे थे लेट्स गो थ्रू द पोएम वॉट अकॉर्डिंग टू यू इज फ्रीडम फ्रीडम क्या है कविता के शुरू में एक प्रश्न है फ्रीडम फ्रीडम मीन्स इंडिपेंडेंस राइट टू डू और से फ्रीली यानी स्वतंत्रता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज held हाई where नॉलेज इज फ्री जहाँ मन भय या डर से मुक्त हो या बिना डर या भय से हो और सिर या मस्तक सम्मान से गर्व से उठा हो जहाँ ज्ञान स्वतंत्र हो where the has not द broken नॉट बीन fragments. By narrow domestic walls, जहां विश्व संकीर्ण छोटे छोटे घरेलू दीवारों से टुकड़ों में या तोड़ा ना गया हो कवि अखंड भारत की कल्पना कर रहे हैं वेर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द depth ऑफ truth, जहां वाणी शब्द या विचार सच्चाई की गहराई से आते हैं वर्ड्स मीन्स वाणी या शब्द टायरलेस ट्राइविंग स्ट्रेचेट्स ऑम्स टू वर्ड्स परफेक्शन टायरलेस ड्राइविंग मीन्स अथक प्रयास जहां अथक प्रयास अपनी बाहों को पूर्णता या सफलता की ओर बढ़ाते हैं क्लियर स्ट्रीम ऑफ रिजन हैज नॉट लॉस्ड इट्स वे इन टू दी डेजर्ट एंड ऑफ डेड हैबिट जहां विवेक का तार्किक क्षमता की साफ स्वच्छ धारा अंधविश्वास कुसंस्कार की रेगिस्तान की सूखा रेत में खो न जाए या भटक ना जाए माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाई दी इन टू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन जहा मन हे परम पिताबल मैंने माने कवि परमपिता को संबोधित कर रहे हैं जहा मन हे परमपिता पिता ईश्वर आपसे प्रेरित हो और हमेशा विस्तृत विचार और कर्म की ओर आगे बढ़ें इनटू दैट हैव एन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेफ्ट माय कंट्री अवेक स्वतंत्रता की उस स्वर्ग में हे परमपिता ईश्वर हमारे देश की जनता को जगाएं कवि देशवासियों को राष्ट्र प्रेम की भावना से प्रेरित करना चाह रहे हैं वास्तव में ये कविता राष्ट्र प्रेम की राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए कवि ने प्रार्थना के रूप से लिखे थे होप यू एंजॉयड द पोएम ये पोएम बहुत अच्छा है आपको अच्छा लगा होगा अर्थ तो को समझिए पढ़िए थैंक यू